नहीं लग रहा तुसी किसी हस्पताल ते कैंटीन ते आ गए जिदी वजह ते काफ़ी सारा परहेज करना पेगा या तुसी किसी ऐसी दुकान ते आ गए जिथे मरीजों ना खाना होगा। नहीं तो तुहाडा भाई मशरूम लवर है, मशरूम और शोरूम ये दोनों ना भाई की हमेशा ख्वाहिश रही है कि यार उधर जाना है। तो मशरूम आ गया हूँ शोरूम से, तुसी अगर वीडियो नू लाजमी ना लाइक कर दें। हेलो फ्रेंड्स, तो फुल टाइम खाने के साथ आपका मेज़बान महताब खान हाजिर है। तो आज हम जिस जगह पे आए हैं वो जगह बहुत ही हाइजेनिक और बड़ी एक यूनिकनेस टाइप की जगह है। यूनिकनेस इस वजह से है कि डाइट हर पर्सन यहाँ पे कहना यार मैं खावा भी लेकिन मोटा ना होवा, तो इसका पॉसिबल हल अब निकल आया है। सरगोधा जैसे शहर में भी यहाँ पे डाइट प्लस कैफ़े के नाम से एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, एक कैफ़ा सॉरी ओपन हुआ है, जहाँ पे आप अगर खाना खाएंगी भी कि थोड़ी जी कैलरीज ने जरा मोटापा है जी तोन निकली हुई है वो बाहर नहीं और ज़्यादा नहीं आएगी। और बड़ा डिसेंट सा इन्होंने कहा है कि हम ना ऑयल फ्री हमारा उसमें जो हमारे जो भी डिशेज़ हैं ऑयल फ्री होते हैं और उसके साथ ये करते हैं वो जैतून का ऑयल यूज़ करते हैं और साथ में मतलब और भी बहुत सी हाइजेनिक टाइप की ये करते हैं जिस पे फैट आपके जिस्म पे ना नज़र आए। तो हम वीडियो में आपको बताएंगे खाना खा के कि यार टेस्ट भी कैसा है, इंज ना हो मतलब डाइट के चक्कर दे बिल्कुल खाने का कोई मियार ना, मतलब मियार इस टाइप ना हो कुछ जायका ही ना जाए, इंज लगे बिल्कुल फिक्की चीज़ें खा रहे हैं, वो भी हम बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। तो हमेशा की तरह शरियार आज नहीं है, इनाम साहब मेरे साथ हैं। तो इनाम साहब क्या कहना चाहते हैं आप इस रेस्टोरेंट में आके? एक बहुत ही एक यूनिक चीज़ है स्पेशली सरगोधा के लिए, जहाँ पे हमें बहुत ही ऑयली चीज़ें मिलती हैं जिनसे हमारी डाइट भी ख़राब होती है, हमारी हेल्थ भी ख़राब होती है। तो ये एक यूनिक चीज़ है डाइट प्लस, तो आज इसे टेस्ट करके ज़रूर आपको बताएंगे कि ये कैसे है। अच्छा जी, ए भाई जन तुम देख लो यार पेट जो है ना पेट इस पेट नू देखना है कि खाण तो बाद और ज़्यादा बड़ा होता है या मतलब वही अपना स्टैंडर्ड साइज़ को ही फॉलो करता है। तो वीडियो अगर पसंद लगे तो वीडियो को लाजमी से लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा। चलें शुरू करते हैं। तो माशाल्लाह हमारा ऑर्डर आ गया है। तो ऑर्डर जैसे आपको पता है कि हूँ भाई जन डाइट चीज़ें ही खानियाँ पैनगियाँ क्योंकि डाइट प्लस हम आए हुए हैं, तो डाइट तो प्लस तो अच्छा इनका अब जो बेसिकली दो चीज़ें उन्होंने हमारे लिए बनाई हैं और लेकर आए हैं। अच्छा सबसे पहले जो है इनका एक डाइट सैंडविच है, डाइट प्लस सैंडविच, उसका मैं लुक दिखा देता हूँ आपको। ओए होए 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 आया ना मुँह पानी तो ये देख के ओए यार क्या मज़े की मतलब पिनिंग। एक तो होती है जो सैंडविच होता है उसके ऊपर एक तह लगी हुई है, दो इस पर तीन तह लगी हुई है ना। अच्छा अभी ये सबसे ज़्यादा जो ख्याल करना है वो मैंने अपना मुँह और अपनी मूँछों का कि यार मूँछ ना लिपड़ी जाए देते। अच्छा ये सबसे पहले ये देखें ये अच्छा फीलिंग है। अब इसको ऐसे तो मैं भी नहीं खाऊँगा, इसको मैं यार बड़ा मज़े का। अच्छा इसमें ना डाइट बेसिकली आप डाइट करें इसमें खीर है, उसके बाद मशरूम है, उसके बाद सॉसेज हैं जो इनकी अपनी सॉस होती है जो ये डालते हैं हम, मायोनीज है या डाइट मायोनीज आप कहेंगे कि डाइट के लिए तो वो नहीं थी, लेकिन अगर आप बिल्कुल डाइट करेंगे वो आपसे खाया भी नहीं जाएगा। इन्होंने मिक्सर किया हो लेकिन 20% जो इन्होंने थोड़ी सी वो सॉस रखी हुई है जिसकी वजह से थोड़ा सा, क्योंकि डॉक्टर्स या जो भी डाइट भी करते हैं तो वो कहते हैं आपने हर एक चीज़ की एक लिमिट सेट कर दी, तो वो लिमिट इन्होंने प्रॉपर इसमें सेट हुई पड़ी है मेरे अंदाज़े के मुताबिक। यार बहुत ही मज़े का ये देखें, ओए ओए देखें, एक और बाइट लेते हैं आपको बताते हैं। सॉस सॉस मीठी ऊपर से जो मतलब मशरूम हो गया और मकई के दाने हो गए और उसके बाद जो सैलेड और खीरा शूरा जो भी है यार लाजमी से आए अपना मैदा ना साड़ो डाइट प्लस अला जो है ना इनका जो सैंडविच है वो अपने मुंह में डालो तो ये बड़ी मज़े का बड़ा ज़बरदस्त अभी तक तो सैंडविच लगे। अच्छा जो सैलेड है जो सैलेड मेन करते हैं हम, अच्छा सैलेड का जो लुक है ना वो आपको देख रहे होंगे आप ऊपर से जैसे इन्होंने
बंद गोभी और उसके बाद जो मशरूम और सॉसेस जो केचप और मतलब क्या यार मज़े का ना लोग कह रहे हैं इस जैसा सैलेड डाइट वाला डाइट का नाम है। अभी देखते हैं, मुझे तो ये बड़ा क्रीमी और जूसी सा लग रहा है। अभी ये देखते हैं क्योंकि मशरूम वाली जो फीलिंग है ना, आए हाय हाय तुम्हें पता थोड़ा भाई मशरूम लवर है। मशरूम और शोरूम ये दोनों ना भाई की हमेशा ख्वाहिश रही है कि यार अद्धे जाना है। तो मशरूम आ गया हूँ शोरूम से, तुम अगर वीडियो नू लाजमी ना ना लाइक कर देना तो ताकि थोड़ा भाई शोरूम से भी जाए तो गड्डी भी आए। अच्छा तो ये देखें, ये देखें हैवी सा बाइट, इसमें कितनी भी फीलिंग है, कितनी की जो फीलिंग है ये यार प्रॉपर जिसे कहते हैं सब फ्लेवर आ रहे हैं। कोई है नहीं लग रहा तुसी किसी हस्पताल के कैंटीन पे आ गए जिसकी वजह से काफ़ी सारा परहेज करना पड़ेगा, या तुसी किसी ऐसी दुकान पे आ गए जितने मरीजा ना खाना होगा। नहीं 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 ऐसा ये कुछ भी नहीं है, नाम से आप ना जाइएगा, इनका आके टेस्ट लाजमी दीजिए। जो टेस्ट है प्रॉपर आप नॉर्मल पर्सन भी खा सकते हैं, पेशेंट्स भी खा सकते हैं, डाइट वाले लवर्स भी खा सकते हैं। यह बड़ा ओवरऑल ज़बरदस्त सा एक टेस्ट, क्या कहने सुपर से भी कि ऊपर असी उठे बैठे ऊपर। अच्छा यह चिकन देख लो एक दी तुहाडा, अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा पेश आए हो तो डॉक्टर कहता हो भाजी ए ना यह तुसी ये ला खाना है चिकन खाना बॉयल, तो मतलब वही वाली इन्होंने सेम लाइक ऊपर जो ब्लैक पेपर है वो इन्होंने किया है। और अभी इसे खा के चेक करते हैं कि यार ये कैसे इन्होंने किया है, क्या टेस्ट है, वही फिक्का है या मतलब ब्लैक पेपर है या इसके अंदर भी कोई इन्होंने किया हुआ है। ऐसे लग रहा है बड़ा फ्लूफी सा, बड़ा नरम सा, ऐसे लग ही नहीं रहा है कि चिकन का ना कुछ थोड़ा सा होती है ना चक होती है, थोड़ा सा मुंह में डालो फिर पता लगता है, लेकिन ये बिल्कुल जिसे कह नहीं रहे हैं ये देखें इसे। बड़ा नरम सा टेंडर, तो बहुत ही आप अगर भूख भी आपने भूख लगी और फुल खाना खाया भी हो उसके बाद भी अगर ये खाएंगे ना तो ये आपका पेट तुन्नो तुन नहीं होने देगा बिल्कुल, एक फिर भी आपके खाने की एक भूख रहेगी ये देखें। अच्छा इन्होंने मुझे अभी बताया कि अब इनका जो जितने भी ये चीज़ें होती हैं उसमें ये ऑलिव ऑयल जैतून का तेल तो यूज़ करते ही हैं, और ऑयल फ्री है, ये भी आपको बता दूं कि ऑयल फ्री है, इसमें कोई ऑयल शायद नहीं है। और साथ में जो ये मस्टर्ड यूज़ करते हैं बेसिकली मस्टर्ड, इन्होंने हमने पूछा कि मस्टर्ड होंदा की है, कहते ना जी मस्टर्ड प्रोटीन्स होती हैं कार्बोनेट और जो फैट है वो नहीं गेन होता है ये, या चर्बी जो होती है ना इसमें किसी भी चीज़ की वो नहीं आने देती है। तो ये बड़ा यार मज़े का बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट आपका भाई आपको बता रहा है, भावें काफ़ी पेस्ट कर रहे हैं उधरों पूछ के, लेकिन थोड़े से लाजमी थोड़ा शेयरिंग कर रहे थे। ओवरऑल बहुत मज़ा और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। अभी ये ऑरेंज जूस हमने ऑर्डर किया है तो देखते हैं, और चीज़ें तो देख ली हैं बड़ी मज़े की लगी हैं। ऑरेंज जूस बेसिकली जूसेस की ये शॉप तो नहीं है, लेकिन फ्रेश जूस कहते हैं कि भाई फ्रेश जूस तो हमें मिलेगा, पी के दस में कितना फ्रेश होएगा। तो यार बड़ा नेचुरल सा फील आ रहा है। अच्छा इसकी फील मैं बता दूं आपको, एक माल्टा लो, माल्टे नू मशीन दे च रखो, मशीन दे चो मुट्ठी ली, अगर थोड़े को मशीन है ना उन्हें चोड़ो, या दूसरी ग्रैंड वो इलेक्ट्रिक मशीन है उसमें माल्टा डालो और निकालो, बिल्कुल वैसे का वैसा ज़बरदस्त सा टेस्ट आ रहा है। हैवी भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, नॉर्मल सा एक इसके अंदर गूदा कह लें, या इसके अंदर जो इसका प्रॉपर जैसे वो माल्टे का पेस्ट नहीं बनता, बिल्कुल वैसे का वैसे ही सेम लाइक टेस्ट आ रहा है, और बड़ा हा हा इंजॉय वाला ये फील आ रही है।
बड़ा मज़े का, सब चीज़ें बड़ी मज़े की, हाइजेनिक भी बड़ी हैं और नेचुरल चीज़ें बेसिकली बहुत ही कम जगह पे ऐसी नेचुरल चीज़ें मिलती हैं। जी इनाम साहब, कैसे कैसा लगा आपको ये डाइट प्लस का खाना? ज़बरदस्त, लाइट वेट भी था और ऐसे लग रहा कि जैसे हमने खाना खाया और फुल मांड के यानी कि अच्छा फुल ओके, यानी कि अभी किसी चीज़ की कोई तमन्ना नहीं। तमन्ना नहीं तो फिर जरा जूस पीते हैं कि शायद तमन्ना सी। ये तो बस एक फ्लेवर यूनिक टच किया मैंने कहा जरा थोड़ा स्पाइसी हो गया था, थोड़ा लाइट वेट सा हो जाए और बहुत फ्रेश और बहुत खटास जिसको कहते हैं ओरिजिनल ऑरेंज की अच्छा वो फील हो गई है। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त, तो सब चीज़ें ठीक सी? हाँ, सैंडविच भी बहुत आला था अच्छा, और जो इनका सैलड था वो भी इंतहा का ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਸੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸੈਲਡ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਲੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਯਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਰ ਲੈਵਲ ਅੱਛਾ ਚਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਡਬਲਯੂਸ ਕਰ।